हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने शीत युद्ध का अर्थ एवं शीत युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा की। आज के क्लास में हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मोटे रूप से शीत युद्ध के चरणों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। शीत युद्ध का जो प्रथम चरण है, जिसमें ये कहें कि शीत युद्ध का उभार हुआ या शीत युद्ध के उभार का जो चरण था, वो है जो कि 1945 से 1953 के काल को माना जाता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों में जो विचारधारा के आधार पर एक वैचारिक द्वंद्व या ये कहें कि जिन तनावपूर्ण संबंधों का निर्माण हुआ था, उसके आधार पर दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे राष्ट्र के प्रति विद्वेष, घृणा और भय का जो वातावरण तैयार किया, उसने शीत युद्ध को जन्म दिया था। क्योंकि ये बात हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है कि इस प्रथम चरण में यानी शीत युद्ध का उभार कैसे हुआ, कैसे दोनों महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुई, और इसके लिए जो मुख्य बात है वो यह है कि इस प्रथम चरण में दोनों महाशक्तियों द्वारा अधिकाधिक राष्ट्रों को अपने खेमे में शामिल करने, अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम था कि इस अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने साथ लेने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इसके लिए इन राष्ट्रों के पास दो विकल्प थे। प्रथम जो विकल्प था वो था कि बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाए, दुनिया के अधिक से अधिक राष्ट्रों को बड़ी आर्थिक सहायता दी जा सके ताकि वो उनके खेमे में आ सके, और इसके लिए दोनों ही महाशक्तियों की तरफ से ऐसा प्रयास हुआ। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने ऐसा किया या सोवियत संघ ने ऐसा किया, दोनों ही महाशक्तियों ने बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता देने का काम किया, और इसके लिए बाकायदा यूएसए की ओर से दो प्लान है वो आए, जिसमें एक को हम कहते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना में जो यूएसए के नेता थे मार्शल, उन्होंने घोषणा की कि यूरोप के देशों में साम्यवाद के प्रतिरोधन के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए टर्की जैसे यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, और इसी मार्शल योजना का अगला जो चरण था वो था ट्रूमैन सिद्धांत। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ये कहा कि हमें संपूर्ण यूरोप में यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी, नहीं तो यूरोप के राष्ट्र साम्यवाद के प्रभाव में आते चले जाएंगे। क्योंकि यूएसए पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था, या ये कहा था कि यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का क्षरण ना हो, इसके लिए उसने पूंजीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए इनके माध्यम से बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता यूरोप के राष्ट्रों को दी, ताकि रशिया या ये उस समय का सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, कि यूएसएसआर यूरोप में साम्यवाद का जो प्रसार कर रहा था, या अमेरिका की भाषा में कहें तो वो आतंक का प्रसार कर रहा था, उसको रोकने के लिए इन राष्ट्रों को वित्तीय सहायता दी जानी आवश्यक थी। तो इस रूप में मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत है वो यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके प्रत्युत्तर में, क्योंकि यूएसएसआर या ये कहें कि सोवियत संघ भी पीछे रहने वाला नहीं था, और सोवियत संघ ने भी अपने प्लान के तहत, सोवियत के जो विदेश मंत्री थे मोलोटोव ने भी ये योजना बनाई कि पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, नहीं तो वो पूंजीवादी खेमे में चले जाएंगे या पूंजीवादी खेमे के प्रभाव में आ जाएंगे, और ऐसा होगा तो सोवियत की जो शक्तियां हैं वो कमजोर होगी। तो एक जो विकल्प उनके पास था, जो उन्होंने किया, दोनों ही महाशक्तियों ने यूरोप के राष्ट्रों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी, और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि दोनों राष्ट्रों, दुनिया के अधिक से अधिक राष्ट्रों या यूरोप के अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने खेमे में शामिल किया जा सके। दूसरा जो विकल्प था, दूसरा विकल्प था वो था सैन्य गुणों का निर्माण करना, और सैन्य गुण
का निर्माण कर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को इन सैनिक गुटों में शामिल किया जाए। इसके लिए यूएसए की ओर से प्रयास हुए, आपने नाम सुना होगा नाटो का, NATO, नाटो। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन था जो सामूहिक सुरक्षा पर आधारित था, सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसको कहें, जिसका तात्पर्य यह था कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों में यदि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण किया गया तो वो आक्रमण नाटो के समस्त देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। मीन्स एक के ऊपर अगर किसी प्रकार की विपदा आती है तो सभी राष्ट्र मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये नाटो जो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर गठित हुआ 1949 में, वास्तव में यह यूएसए के द्वारा या ये कहें कि पूंजीवादी खेमे द्वारा तैयार किया गया एक सैनिक संगठन था और जिसका एकमात्र उद्देश्य यूएसएसआर को चुनौती पेश करना था। इसी के प्रत्युत्तर में यूएसएसआर की ओर से भी सैनिक गुट का निर्माण किया गया और जो काफी चर्चाओं में रहता है वार्सा पैक्ट। ये वास्तव में यूएसएसआर का या ये कहें कि साम्यवादी खेमे का एक सैन्य संगठन था। इसी के साथ साथ इन दोनों महाशक्तियों में सैनिक गुटों के निर्माण की जो प्रवृत्ति थी वो यही खत्म नहीं हुई। लगातार इन महाशक्तियों ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए लगातार सैन्य गुटों के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा और इसी दिशा में यूएसए की ओर से कुछ अन्य सैन्य गुटों का निर्माण किया गया जिसको हम नाम देते हैं सिएटो, एक सैनिक गुट इसके द्वारा बनाया गया जिसका नाम है SEATO और इसको फुल फॉर्म अगर पूरा नाम इसका देखें तो ये था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों को भी अमेरिका ने अपने खेमे में शामिल करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। इसी प्रकार से अन्य सैन्य संगठन अमेरिका की ओर से बनाया गया जिसका नाम था सेंटो, SCENTO, सेंटो। पूरा नाम अगर इसका देखा जाए तो ये होगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया। पहले इसको बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम क्या था इसका, बगदाद पैक्ट। इराक इसमें शामिल था, बाद में इराक इससे अलग हो गया तो इसका नाम बगदाद पैक्ट के स्थान पर क्या हो गया, सेंटो हो गया, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से जो प्रथम चरण था या शीत युद्ध का प्रथम चरण, शीत युद्ध के उभार का चरण, इसमें दो मुख्य प्रवृत्तियां देखी गई। पहली प्रवृत्ति थी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देके दुनिया के अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने खेमे में शामिल किया जाए और दूसरी जो प्रवृत्ति थी वो सैन्य गुटों का निर्माण रहा जिसमें यूएसएसए की ओर से और यूएसएसआर दोनों की ओर से सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। इसके आगे 1953 के बाद, क्योंकि 1953 तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी उच्च बदलाव हो चुका था और उसका सबसे बड़ा कारण ये कहें कि स्टालिन चले गए। स्टालिन की मृत्यु होने के बाद शीत युद्ध में कहीं ना कहीं कमी देखने को आई, यानी दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध थे उन तनावपूर्ण संबंधों में एक उनके बीच की बर्फ पिघली और इसीलिए उसको कहते हैं शीत युद्ध में कमी का चरण, या दूसरे शब्दों में एक फ्रेंच टर्म इसके लिए काम में लेते हैं देतांत का मतलब है तनाव शिथिल्य, जो कि शीत युद्ध का द्वितीय चरण कहलाता है, यानी 1953 से लेकर 1971 के बाद का जो चरण है उसको देतांत का काल या शीत युद्ध में कमी के काल के नाम से जाना जाता है, यानी तनावपूर्ण संबंधों में जो कमी आई। नेक्स्ट वीडियो में हम शीत युद्ध या ये कहें कि देतांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।